मुख्यमंत्री ने ऊना दौरे के दौरान ऊना सदर विधानसभा क्षेत्र में करीबन 109.12 करोड़ के शिलान्यास व उद्घाटन किए। सीएम ने सबसे पहले पुलिस लाइन जलेड़ा में प्रशासनिक भवन की नींव पत्थर रखा, जिस पर करीबन 3.82 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पेखुबेला पहुंचे, जहां पर 1.31 करोड़ की लागत से तैयार पुल का उद्घाटन किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने रामपुर में लोक निर्माण विभाग के मैकेनिक वर्कशॉप का नींव पत्थर रखा, जिस पर 87.94 लाख की लागत खर्च आएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने करीबन 29.39 करोड़ से बनने वाले मिनी सचिवालय का शिलान्यास किया। सीएम ने ट्रक यूनियन ऊना के समीप 2.06 करोड़ की लागत से बनने वाले शून्य न्यू मॉडर्न पुलिस स्टेशन, बिल्डिंग ऑफ स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो के भवन का शिलान्यास किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने स्वात तटीकरण के चैनलाइजेशन का शिलान्यास किया। इस पर करीबन 22 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अंतिम शिलान्यास चंद्रलोक कॉलोनी ऊना में किया, जहां पर सीएम ने 48.95 करोड़ की लागत से बनने वाले दिव्यांगों के लिए नेशनल करियर सर्विस सेंटर के भवन का निर्माण किया। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू मुद्दे पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कांग्रेस पार्टी से जवाब तलब की है। उन्होंने तंज भरे लहजे से कहा कि देश में कांग्रेस अब कहीं भी नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धू पर सीधे सीधे कुछ भी कहने से बचते दिखे, यहां तक कि उन्होंने सिद्धू की रैली में कथित तौर पर लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से अनभिज्ञता व्यक्त की। नवजोत सिंह सिद्धू उनकी जनसभा में जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, क्या लगता है राजनीति किस दिशा की होगी? जी नहीं मालूम, आपसे मैं सुन रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा है, कांग्रेस जो है पूरे देश में है कहीं नहीं, बचा कहीं नहीं, और ऐसी परिस्थिति में उनकी स्वाभाविक है ये हताशा, निराशा, और ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की बातें को करने की कोशिश करेंगे। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा, देश की जनता को, कि ऐसी परिस्थितियां क्यों निर्मित हो रही है। सुंदरनगर के विदेश में फंसे नौजवानों को सुरक्षित वापस लाने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फर्जी ट्रेवल एजेंटों पर केंद्र से मिलकर विशेष रणनीति बनाए जाने का दावा किया है। उन्होंने सरकार द्वारा फर्जी ट्रेवल एजेंटों पर सिकंजा कसे जाने का दावा भी किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष के विरोध के बावजूद विधानसभा सत्र को नहीं चलने दिए जाने के दावे पर पलटवार करते हुए सत्र के लगातार जारी रहने का दावा किया है। उन्होंने विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिए जाने की बात भी कही है। क्या बहुत से फर्जी एजेंट हर जिले में है, तो उसके लिए कोई विशेष पॉलिसी बनाई? इसमें इस बात को लेकर के हम अब गंभीरता से प्रयत्न कर रहे हैं कि ऐसे एजेंट जो यहां से टूरिस्ट वीजा पर हिमाचल के लोगों को बाहर दूसरे देशों में ले जाते हैं और उसके बाद वहां पर उनको प्रलोभन दे करके कि आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा और वहां पर काम हम दिलाएंगे, और उसके बाद ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में वो उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, जो वर्तमान में अभी स्थिति हुई थी। ऐसी चीजें आने वाले समय में ना हो, इस बात को हम सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने ये केंद्र सरकार के समक्ष भी इस विषय को उठाया है।